स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ एलएनएमयू डिग्री पार्ट थ्री के वैसे स्टूडेंट जो केमिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं और डिग्री पार्ट थ्री का सिलेबस उसे पता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सिलेबसों के बारे में जानकारी दूंगा आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने जब पार्ट वन पार्ट टू का एग्ज़ाम दिए तो उसमें आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता था थ्योरी पेपर का वो 75 मार्क का होता था। कितना मार्क का? 75 मार्क का होता था सभी पेपर। लेकिन पार्ट थ्री का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो सभी पेपर आपका 100-100 मार्क का होगा। ये आप याद रखें, सभी पेपर आप लोगों का 100-100 मार्क का होगा, चाहे पेपर 5 हो, पेपर 6 हो, पेपर 7 हो या पेपर 8 हो, सभी पेपर आप लोगों का 100-100 मार्क का होगा। तो देखिए, पेपर 5, 5, 6, 7 ये तीनों पेपर आप लोगों का थ्योरी होगा। क्या होगा? थ्योरी। तो थ्योरी पेपर होगा। और पेपर 8 के बारे में बात करें तो पूरा पेपर 8 जो हो आपका 100 का होगा वो प्रैक्टिकल होगा। पेपर 8 जो होगा वो फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स वाले के लिए प्रैक्टिकल होता है। तो आप लोग समझ गए कि केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए ये पेपर 8 जो होगा वो प्रैक्टिकल होता है। तीन पेपर आप लोगों का पूरा 100-100 मार्क का होगा, जिसमें आप लोगों को पास मार्क जो चाहिए वो 45 चाहिए। और इस PDF फाइल को कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर 5 के ऊपर। तो पेपर 5 को जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन समय होगा वो आप लोगों का 3 घंटे का होगा और फुल मार्क्स का जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो 100 होगा और पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए आप लोगों को 45 चाहिए। तो पेपर 5 में आप लोगों को सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है, जिस प्रकार से पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिए होंगे, कंपलसरी जो होता है पहला नंबर क्वेश्चन, तो पार्ट 3 में आप लोगों को ABCDEFGHIJ करके आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, 10 में से किसी 5 क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना अनिवार्य है। ठीक है, 5 क्वेश्चन का आंसर जो देंगे आप वो शॉर्ट टाइप देंगे। ठीक है, तो जितना संक्षिप्त रूप में आप लोगों को आंसर आता होगा वो उतना संक्षिप्त रूप में आप लोग 5 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में से आप लोगों को पेपर 5 में ही पूछा जाएगा। उसके बाद पेपर 5 का जो टॉपिक आएगा मेन, उसमें से पहला जो रहेगा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। तो इससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे नीचे दिया गया है कि एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में से क्या पूछा जाएगा वो नीचे दिया गया है, तो उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में जो पूछा जाएगा वो नीचे दर्शाया गया है। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 में केमिकल काइनेटिक्स रहेगा, तो उसमें से क्या पूछा जाएगा वो भी नीचे दर्शाया गया है। तो इसी प्रकार से जो भी टॉपिक रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए फोटो केमिस्ट्री में से क्या पूछा जाएगा तो यहाँ पर नीचे दर्शाया गया है। सो जितना भी टॉपिक रहेगा वो मेन मेन पॉइंट आप लोगों को दर्शा दिया गया है कि आप को किस चीज़ से किस में से क्या क्या पूछा जाएगा, तो कौन से टॉपिक में से आप लोगों को पढ़ना है और कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है, इस चीज़ के बारे में जानकारी इसमें दे दिया गया है। तो सिलेबस का मतलब यही होता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक में क्या क्या पॉइंट पढ़ना चाहिए वो। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोगों को पेपर 6 हो जाएगा। तो पेपर 5 में फिजिकल केमिस्ट्री था और पेपर 6 में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से भी आप लोगों को 10 क्वेश्चन, इसमें 9 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आप लोगों को कंपलसरी क्वेश्चन जो होगा वो 5 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। तो फिजिकल में से 10 और इनऑर्गेनिक में से आप लोगों को 9 क्वेश्चन ही दिया जाएगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों का जो टॉपिक होगा वो यहाँ पर दर्शाया गया है नीचे में। टॉपिक पहला यहाँ पर दिया गया है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो इसके बाद यहाँ पे टॉपिक 2 यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में आप लोगों को इसी प्रकार से मिल जाएगा। और पेपर 7 के बारे में बात करें तो पेपर 7 में भी दिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पेपर 7 पूछा जाएगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो पेपर 8 होगा आप लोगों का वो एग्जाम से पहले ही प्रैक्टिकल हो जाएगा। जिस समय आप लोगों का एग्जाम होगा उससे 10 दिन या 1 महीना पहले जब प्रैक्टिकल का डेट निकलता है उसमें आप लोगों का पेपर 8 का प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल जो होगा वो आप लोगों का यहां पे देख सकते हैं 100 मार्क का होगा और पास होने के लिए प्रैक्टिकल में भी 45 मार्क चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझ गए कि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 जो होता है वो थ्योरी पेपर होगा और पेपर 8 जो होगा वो फुली प्रैक्टिकल होगा। तो आप लोगों को इसके अतिरिक्त जो होता है वो GS का होता है, तो GS का मैं टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इसके बाद जो भी जानकारी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ये PDF फाइल चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप PDF फाइल डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।